नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रमेश है और मुझे कमेंट मिला है जिसका नाम है शुभानकर टेक्नोलॉजी। वो लिखते हैं, मेरा रेडियो फिलिप्स DL 129 है, उसमें दो IC है। स्टेशन IC का नंबर है 5570 और दूसरा जो है मुझे नहीं पता है कि कितना नंबर उसमें लगा हुआ है, उसका ऑडियो सेक्शन ख़राब है। तो बहुत ही अच्छा कमेंट मुझे मिला, हो सकता हो उसकी रेडियो की IC निकला हुआ हो, या तो नंबर मिट गया हो या न तो टूट गया हो, तो हो सकता है, क्योंकि मुझे कमेंट तो यही मिला है कि दूसरा नंबर जो है ऑडियो का मुझे नहीं पता है। तो चलिए कोई बात नहीं, आपको अगर पता नहीं है तो मुझे पता है, तो मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ। तो देखिए, इन्होंने लिखा है 5570 स्टेशन IC, तो 5570 नंबर की जो IC है वो आपको FM वेव का जो है रेडियो में नहीं लगा रहता है, वो जो है मीडियम शॉर्ट 1 और शॉर्ट 2 तीन बैंड की रेडियो में लगा हुआ रहता है। तो बहुत ही पुराना रेडियो है फिलिप्स कंपनी का। और इसके बाद जो है FM सेट की रेडियो आई, तो उसका नंबर जो है स्टेशन IC की 6810 या कोई भी और नंबर हो सकता है। FM वाले में बहुत सारा नंबर होता है, 16-19 होता है, बहुत सारे ऐसे नंबर है जो होता है। तो चलिए, जिस नंबर का ये बात किया है उसकी मैं इसको जानकारी दूं। तो इन्होंने लिखा है 5570 जो है स्टेशन की IC का है, तो दूसरा नंबर हमें पता नहीं है कि कौन सा नंबर है। तो चलिए, ऑडियो सेक्शन की यहाँ पे अगर वो IC 5570 लगी है, तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ से यहाँ लंबी IC लगी होगी 9 पिन की। आप उसकी पिन नंबर 1 से लेकर 9 गिन सकते हैं, उसका नंबर है 4510। तो अगर मार्केट में अवेलेबल है, अगर नंबर आपको पता नहीं है तो देखिएगा, लंबी IC होगी 4510 और इस मॉडल का भी अगर IC लगा होगा तो इसका भी नंबर 4510 ही होगा। तो आप देख सकते हैं ये दो मॉडल का IC लगा हुआ रहता है, तो उन दोनों में से आपको कोई सा भी मिल जाए तो उसको आप लगा सकते हैं। तो चलिए, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही।